हाय फ्रेंड्स, पाउसर रेडीमेड लेज़र में आपका स्वागत है। तो आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ है साइलेंसर। तो ये चलता है देखो पिकअप के लिए और तूफान गाड़ी, मतलब जो क्रूज़र आती है क्रूज़र के लिए भी लगाया जाता है। उसके लिए ये मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है लगाया। तो ये देखिए रेडियम में लुक है ऐसा, विदाउट रेडियम में देखिए ओनली स्टील का लुक है ऐसा। इसकी साइज़ देखो 3.5 फुट हाइट है ऊपर का, ये एल टाइप छोड़ के। इसे देखा जाए इसमें तो नीचे देखो पैकिंग पाइप नहीं है, नीचे क्लैंप ली गई है और इसके नीचे भी पाइप है, उसके भी क्लैंप लगाई गई है और ऐसा रेडियम किया गया है इसको। विदाउट रेडियम का भी सेम है, सिर्फ इसको रेडियम किया है और इसको रेडियम नहीं किया है। रेडियम देखा जाए तो इसमें लगाया हुआ है भगवा स्काई ब्लू, भगवा इधर स्काई ब्लू भगवा है, कॉम्बिनेशन किया है। और इधर देख रहे हैं आप ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन के ऊपर भी रेडियम किया है इसको, स्काई ब्लू पिंक और नीचे देखो तिरंगा जैसा पूरा तिरंगा किया है। और उसके नीचे देखा जाए तो स्काई ब्लू पिंक, स्काई ब्लू येलो, स्काई ब्लू रेड और स्काई ब्लू, और नीचे तिरंगा, उसके नीचे स्काई ब्लू और पिंक कलर का रेडियम है स्काई ब्लू पिंक। इसका भी फुल फिटिंग है देखो, ये नीचे दो बार्स लगाए हुए हैं। इसकी हाइट आएगी 3.5 फुट। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ओरिजिनल स्टील है, ऐसा मिलावट वाला स्टील नहीं है ये। किसी को चाहिए तो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, होलसेल रिटेल दोनों के लिए भी है। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी गलत चीज़ होती है वो बताते रहिए, उसमें अपडेट आता रहेगा आपको। फिर से एक बार लुक देख लीजिए आप, ऐसी और बहुत ही एक्सेसरीज़ है, आपको बताता हूँ मैं। नई नई आती है तो वीडियो बना के बेचता हूँ, डालता हूँ, जैसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे नई नई वीडियो और भी आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये फिटिंग के लिए, हाफ फिटिंग की बात किया जाए तो देखो ये एक क्लैंप है और नीचे एक क्लैंप है, तो ये क्लैंप होती है जो पिकअप का दरवाज़ा रहता है उसको, दो नट्स रहते हैं वो ऊपर वाला और नीचे वाला नट्स, दोनों में परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी, तो अलग से होल गिराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जी अभी इसको होल अलग गिराने पड़ेंगे, पिकअप डैमेज होएगा, बॉडी डैमेज हो जाएगी, पानी से सड़ जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।